Hello students, today we are going to cover the most important topic, which is cache memory. So it is a type of fast and relatively small memory. So ye bahut fast aur relatively small memory hoti hai. It is stored in computer hardware. Ye jo memory hai wo kahan store hoti hai? Computer hardware mein. It is classed as random access memory. So ye bahut important point hai, isko yaad rakhna ki isko classify kaise kiya gaya hai, random access memory ki tarah. Kyunki sab log ye sochte hain ki RAM and cache memory, RAM alag hai, ROM alag hai and cache memory is a different thing. But is point ko hamesha yaad rakhna ki it is classed as random access memory. Chalo ab iske function ki taraf move forward karte hain. Functions, it enables computer functions to hold recently accessed data close by. ये क्या करता है कि computer functions को जो recently हमने data access किया है उसको nearby रखता है, उसको close by रखता है. So it can be used repeatedly, क्योंकि जो हम actions जो हमने अभी recently किया वो हो सकता है हम बार बार करें. So इससे क्या होगा, हमें जो same instruction है उस data के लिए again and again बार बार नहीं देनी पड़ेगी. इससे हमारी energy, time सब बचेगा. ठीक है, मेमोरी विच इज़ वेरी नियरेस्ट टू सीपीयू, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना. इट लाइज बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी. सीपीयू हमारा प्रोसेसर है, यहाँ पे हमारी मेन मेमोरी या स्लैश रैम और ये कैश मेमोरी. तो ये सबसे नियरेस्ट होती है, ये स्मॉल होती है और ये किसके बीच में लाई करती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लाई करती है. सो अब हम लेते हैं हमारा रियल लाइफ एग्जांपल. जो मैं आपको बता रही थी वो ये है कि फॉर एग्जांपल जब हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास तीन एसेसरीज तो होती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग एंड हमारी एक स्टडी टेबल जिसमें बहुत सारा सामान रखा होता है हमारा. तो जो चीज़ें हम बार बार यूज़ में लाते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो हम रख लेते हैं अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में. हमें पता है पेन बार बार यूज़ होगा और स्टेपलर वगैरह जो कभी कभी यूज़ होते हैं वो हम सोचते हैं कि चलो अपने बैग में रख लेते हैं. एंड जो बहुत ही जैसे पेंट के सामान हो गए, पेंटिंग्स, ब्रशेस एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे सामान वो रख लेते हैं हम स्टडी टेबल में या हमारी अलमीरा में कहीं पे. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स का एग्जाम्पल बताया, जो बार बार चीज़ यूज़ होने वाली उसको हम सबसे पास रखेंगे. जैसे कैश मेमोरी को सीपीयू सबसे अपने पास रखता है, क्यों, क्योंकि वो बार बार यूज़ आती है. तो वो क्या है, वो ज्योमेट्री बॉक्स आपका कैश मेमोरी हो गया. एंड वो जो बैग का मैं एग्जांपल दे रही थी, बाकी बची हुई चीज़ें बैग में होती हैं, वो आपका रैम हो गया. और जो आप पेन ड्राइव वगैरह जो एक्सटर्नल स्टोरेजेस आप यूज़ करते हो वो क्या हो गया, आपका स्टडी टेबल और एक्स्ट्रा अलमीराज जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो हो गए. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं. अब आप देख लीजिए कि रैम के साथ इसका रिलेशन क्या है. ठीक है, कैश मेमोरी इज ऑल्सो फास्टर एज इट इज सिचुएटेड क्लोजर टू द सीपीयू देन रैम. इट टेंड्स टू स्मॉलर देन रैम. ये रैम से काफ़ी स्मॉल होती है. इट हैज़ टू स्टोर इन्फो दैट द सीपीयू रिलाइज ऑन फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस. रैम जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हम छोटा सा ही रखते हैं एंड बैग बड़ा होता है, तो वो एग्जाम्पल दिया था मैंने. तो ये रैम से छोटा होता है क्योंकि इसको सिर्फ सीपीयू को जो फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए बार बार चीज़ें चाहिए वो रखता है ये. तो थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो.